हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अपडेट आ रही है ECIL की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से। यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर कंसल्टेंट की, BE/BTECH की, डिप्लोमा की, ITI की 2100 से ज्यादा, 2100 से ज्यादा पोस्ट निकली हुई है। कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला है भाई लोग। लेकिन नोटिफिकेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। जॉब जो लगने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जॉब लगने वाली है। 3 महीने का इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 2 महीने उसे एक्सटेंड किया भी जा सकता है और प्रोजेक्ट के हिसाब से उसे और ज्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। प्रोजेक्ट जितना लंबा और चल जाएगा यह कॉन्ट्रैक्ट और एक्सटेंड किया जा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि यह जॉब है, ये जनरल इलेक्शन जो होने वाले जनरल इलेक्शन उसके लिए भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है और आपको कहीं भी जाने के लिए बोला जा सकता है। तड़ फड़ में बोला जा सकता है, भैया इस शहर चले जाओ, उस शहर चले जाओ, वहां से वहां चले जाओ। तो आपको लगातार अपनी पोजिशन बदलने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि जनरल इलेक्शन से रिलेटेड वर्क जो ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया में होगा, उसमें आपको शामिल किया जा सकता है। और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 7 दिन में आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। कोई भी एग्जाम नहीं होगा तो BE/BTECH, डिप्लोमा, ITI वाले एलिजिबल है। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर, किस तरह हमको अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, हर एक चीज मैं आपको बताता हूँ। बस आपको आखिर तक बने रहना पड़ेगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। तो भाई लोग, जैसा मैंने बताया ECIL में, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट निकली है, 2100 से ज्यादा पोस्ट निकली है। BE/BTECH, डिप्लोमा, ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो पोस्ट है इसमें BE/BTECH वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 31/12/1988 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। 1988 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है जूनियर टेक्निकल ऑफिसर तो 19,000 रुपीज पर मंथ प्लस TA/DA और अदर तरह के बेनिफिट कंपनी रूल के हिसाब से जो भी है वो आपको मिल जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड 1 के अंदर जो पोस्ट निकली उसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिलाकर 315 पोस्ट निकली हुई है। 31/12/1993 के बाद अगर आप जन्मे हुए हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन होता है एज जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन तो आपको मिलेगा 17,000 रुपीज पर मंथ प्लस TA/DA और जितने भी कंपनी के रूल्स के हिसाब से बेनिफिट है वो सब आपको मिल जाएंगे। जो आखिरी पोस्ट है वो है जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड 2 के अंदर, जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। 31/12/1993 के बाद अगर आप जन्मे हैं तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन होता है तो 16,000 रुपए पर मंथ के आस पास प्लस TA/DA और दूसरे बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट जैसे मैंने बताया 3 महीने का रहेगा और उसे 2 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है और भी इसे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की जो 1470 पोस्ट निकली हुई है इसमें अगर आप फर्स्ट क्लास पास आउट है BE/BTECH इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से, E&I से, मैकेनिकल से, CS से, IT से 60% के साथ तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड 1 के अंदर जो डिप्लोमा वालों के लिए पोस्ट निकली हुई है 315 पोस्ट है। इसमें फर्स्ट क्लास अगर आप डिप्लोमा पास आउट हैं E&C यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, E&I यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, CS से 60% मार्क्स के साथ तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और जो आखिरी में पोस्ट है जूनियर कंसल्टेंट फील्ड ऑपरेशन ग्रेड 2 जिसमें ITI वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 2 साल का ITI किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से, रेडियो एंड TV से, इलेक्ट्रिकल से, फिटर से तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अब सिलेक्शन किस तरह होगा उस बारे में बात करते हैं। आप जूनियर टेक्निकल ऑफिसर, जूनियर कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए BE/BTECH के बेसिस पर अप्लाई करोगे, डिप्लोमा के बेसिस पर अप्लाई करोगे, ITI के बेसिस पर अप्लाई करोगे तो आपके मार्क्स या फिर परसेंटेज के हिसाब से BE/BTECH में मार्क्स परसेंटेज, डिप्लोमा में मार्क्स या परसेंटेज, ITI में क्या मार्क्स है, क्या परसेंटेज है, उस हिसाब से लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। और फाइनल जिनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा उन्हें अलग अलग जोन, जिस जोन के हिसाब से वो अप्लाई किए हैं उस जोन में उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा।
कुल मिलाकर 5 जोन है। दिल्ली जो कि नॉर्थ जोन के अंदर आती है, बेंगलुरु है जो साउथ जोन के अंदर आता है, मुंबई वेस्ट जोन के अंदर आता है, हैदराबाद हेडक्वार्टर है और कोलकाता ईस्ट जोन के अंदर आता है। अगर आपके पास 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपलसरी नहीं है यहाँ पे एक्सपीरियंस, लेकिन अगर आपके पास 6 महीने का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आपको प्रिफरेंस मिलेगा। वैसे यहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस की क्या जरूरत पड़ेगी, क्या फर्क पड़ता है यार, यहाँ पे नोटिफिकेशन में लेकिन लिखा हुआ है कि अगर आपके पास इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है 6 महीने का तो आपको प्रिफरेंस मिल जाएगा। लेकिन भाई लोग, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप अप्लाई जरूर कीजिएगा, अगर आप करना चाहते हैं तो फ्रेशर्स बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, अलग अलग जोन है, अलग अलग जोन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि हैदराबाद जो है वो हेडक्वार्टर है, यहाँ पे जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की 455 पोस्ट है, जूनियर कंसल्टेंट डिप्लोमा वालों के लिए 97 पोस्ट है, आईटीआई वालों के लिए 98 पोस्ट है, कुल मिलाकर 650 पोस्ट है। वैसे ही दिल्ली में बीई बीटेक वालों के लिए 385 पोस्ट है, बेंगलुरु में बीई बीटेक वालों के लिए 157 पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए 34 पोस्ट है, आईटीआई वालों के लिए 34 पोस्ट है, मुंबई में बीई बीटेक वालों के लिए 18 पोस्ट है, डिप्लोमा के लिए 5 है, आईटीआई के लिए 2 है, कोलकाता में भी ज्यादा पोस्ट है, बीई बीटेक वालों के लिए 455 है, डिप्लोमा वालों के लिए 97 है, आईटीआई वालों के लिए 98 पोस्ट है। तो कुल मिलाकर बीई बीटेक वालों के लिए जूनियर टेक्निकल ऑफिसर की 1470 पोस्ट है, डिप्लोमा वालों के लिए 315 पोस्ट है, आईटीआई वालों के लिए 315 पोस्ट है, इस हिसाब से 2100 पोस्ट हैं कुल मिलाकर। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो 7 दिन के अंदर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, और आपको इनिशियल एक ट्रेनिंग भी दी जाएगी, प्रोजेक्ट डिटेल्स आपको बताया जाएगा, आपके टेक्निकल स्किल्स वगैरह के हिसाब से आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, और ये जो काम है वो जनरल इलेक्शन का रिलेटेड कुछ वर्क होने वाला है, तो ईवीएम से रिलेटेड और कुछ कुछ ट्रेनिंग दी जाएगी। यहाँ पे काम भी जूनियर टेक्निकल ऑफिसर जूनियर कंसल्टेंट का ऐसा नहीं है कि एकदम हेक्टिक कुछ काम होगा, लेकिन टेक्निकल ऑफिसर हो आप तो जो भी टेक्निकल चीजें हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा, आपको फील्ड में तो रहना ही पड़ेगा। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो जनरल इलेक्शन के जो काम है ऑल ओवर इंडिया में, वहां पे आपको एंगेज किया जा सकता है और आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोला जा सकता है एकदम कम समय में, तो इसके लिए भी आपको एकदम रेडी रहना पड़ेगा अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्म स्टार्ट हो रहा है भाई लोग 26/12/2018 से आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, लास्ट डेट रखी है 5/1/2019, यानी कि ज्यादा समय नहीं है, फट यह डेट आ जाएगी 5 तारीख की, तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना है। फॉर्म भरने की फीस है ₹200 जनरल वालों के लिए, और SC ST वालों के लिए कोई भी फीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। तो भाई लोग, यही थी कुछ बातें जो आज मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करना भाई, इसे शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और उनको भी बता दो भाई ECIL में पोस्ट निकली हुई है, भरते हैं इसका फॉर्म और चलते हैं साथ में, देखते हैं लोग हमसे क्या काम करवाते हैं। और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।